हेलो दोस्तों, जय कबूतर। देसी आई प्लान किचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आकाश माणिक खंडागले। दोस्तों आज जो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, बनाने के लिए जो स्पेशली दोस्तों टेरेस के ऊपर, क्योंकि इतने दिन से टेरेस के ऊपर वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था क्योंकि बारिश का टाइम स्टार्ट हो चुका है और बहुत मज़ा आ रहा दोस्तों। टेरेस के ऊपर लादी वगैरह सब आ चुका है और मेरा टेरेस बन चुका है फाइनली, तो बहुत मज़ा। और प्लस दोस्तों खुशी की बात और एक है कि मेरे फैमिली ने मुझे मोबाइल गिफ्ट कर चुके हैं, जो मुझे लेने की बहुत टाइम से मतलब सोच रहा था कि मोबाइल लूँ, कौन सा मोबाइल लूँ। सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि कैमरा लूँ, फिर बाद में सोचा कैमरा लेंगे तो कैमरे का लेंस भी लेना पड़ेगा अलग से, तो लेकिन अभी फिर बाद में सोच सोच के फिर एक मोबाइल मैंने चॉइस किया था। तो फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, कह रही थी कि नहीं इतना महंगा मोबाइल क्यों, क्या करना है वगैरह। तो जो मोबाइल है दोस्तों सैमसंग का, सैमसंग S23 अल्ट्रा, जो मोबाइल मुझे लेना था, काफ़ी दिनों से सोच रहा था। तो उसके बाद फाइनली मतलब घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं चाहिए, नहीं लेना, इतना महंगा क्या करना है, उससे कम बजट वाला ले लो वगैरह ऐसा वैसा। तो ऐसा करके उन्होंने टाल दिया। तो जो टाइम पे शादी की डेट आई हमारी, मतलब जो तारीख है, तो एनिवर्सरी कह सकते 2 महीने की तो 2 महीने की एनिवर्सरी थी। तो वो टाइम पर भाई ने जाके फटाफट, हम लोग दोनों जन बाहर थे, तो फिर भाई ने जाके फटाफट मोबाइल लेके आए, सैमसंग अल्ट्रा S23। और शाम के टाइम पे हम जब भी घर पे आए तो डायरेक्ट मोबाइल हमें बता दिया, ये देखो हमारी फैमिली की तरफ से गिफ्ट है आपको, ऐसा करके। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत एक नंबर मोबाइल गिफ्ट कर चुके हैं। तो कौन सा मोबाइल है ये देखो दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। दोस्तों 1.5 लाख का मोबाइल है, बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो आपको तो दिखता होगा, ये देखो दोस्तों, और काफ़ी डर भी लग रहा है। ये है मोबाइल, ये देखो दोस्तों, बहुत कहते हैं ना, ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग में कब आएगा मोबाइल, कब आएगा मोबाइल, और जब आ चुका है हाथ में तो बहुत डर लग रहा है। और बहुत हैवी है मोबाइल और एक नंबर क्वालिटी। इसकी जूमिंग की तो बात करेंगे तो जिस तरह लोगों को नहीं पता होगी कौन सी क्या है क्या नहीं, तो दोस्तों जिस तरह वीडियो वायरल होती है ना, कि मतलब वायरल हुई थी कि चांद को हम जूम करते हैं तो चांद का भी फोटो क्लिक हो जाता है, तो वो मोबाइल ही है। ओके दोस्तों, तो अभी हम कबूतर के आंखों के अंदर घुस के उसके अंदर क्या है क्या नहीं वो जूम करके आपको बताएंगे। तो देखो दोस्तों बहुत खुशी हो रही है, तो फाइनली मोबाइल मिल चुका है मुझे, एक नंबर मज़ा आ चुका है दोस्तों, सैमसंग अल्ट्रा S23 अल्ट्रा। ओके दोस्तों बहुत खुशी हो रही है, देखो भाई वगैरह डाली बजा रहे तो नहीं आ रही वीडियो में, कोई बात नहीं। ये देखो दोस्तों एक नंबर, ये देखो इसकी वीडियो भी आपको दिखेगी यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको ऐड करता हूँ। बहुत मस्त एक नंबर मोबाइल है वाकई में दोस्तों। अभी इससे वीडियो शूट होने वाली है, अभी किस तरह वीडियो आएगी किस तरह नहीं, बहुत मज़ा आने वाला। और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले कैमरा लेने की कोशिश कर रहा था, तो कैमरा को दोस्तों मैंने फाइनली मतलब लोन कहते ना, मतलब भाड़े के ऊपर रेंट के ऊपर कैमरा लिए और हमने शूट किया। तो लेकिन कैमरा से आंखों का जो कबूतरों का क्लोजअप होता है वो क्लोजअप नहीं हो पा रहा है, बार बार ब्लर आ रहा था, तो माइक्रो लेंस भी लगाने के बाद भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम मोबाइल ही ले लेते। तो हमारे जो जयपुर पिजन जो टॉक के जो है अपने रिजवान अली साबरी राजस्थान में रहते हैं, तो उससे व्यूवर्स को पता ही है, तो उनसे भी हमारी बातचीत होती है, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि आकाश भाई कैमरा मत लो, क्योंकि क्या होता ना कैमरा लेने से ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने बोला बराबर है, क्योंकि मैंने भी भाड़े से रेंट से कैमरा लेके मैंने यूज़ किया, क्योंकि इतना महंगा अगर हम कैमरा लेते और जो काम के लिए मेन चाहिए कबूतरों की आंखों का क्लोजअप वगैरह, तो वही नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आकाश भाई आप कैमरा मत लो, डायरेक्ट मोबाइल ही ले लो। तो थैंक यू रिजवान भाई आपका भी। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कौन सा लूँ, जिस तरह S22 आया था तो सोचा था वो लूँ, फिर बाद में ऐसा करते करते फाइनली S23 अल्ट्रा हम ले चुके हैं। बहुत एक नंबर क्वालिटी दोस्तों, और इसकी लेंथ वगैरह बहुत प्यारी है, बहुत मज़ा आने वाला, और बहुत हैवी मटेरियल है, पूरा कहते ना पूरा स्टील बॉडी है, यही मैं कह सकता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों मैं कौन से मोबाइल से शूट करता था, तो ये है दोस्तों सैमसंग का J8 फोन। ओके दोस्तों सैमसंग का J8 फोन है ये, इससे इतने टाइम से जितने भी इतने सालों से जो वीडियो शूट हो चुके हैं, ये देखो ये है फ़ोन सैमसंग का J8। तो बहुत टाइम से दोस्तों एक नंबर क्वालिटी, एक नंबर क्लियरिटी ये फ़ोन की भी। जो टाइम पे मेरा फ़ोन 1 साल होने के बाद मैं जब नासिक गया था वीडियो बनाने के लिए, तो नासिक से जब मैं आ रहा था तो कार के अंदर ही मोबाइल छूट गया और मैं जस्ट उतर गया, तो जब भागा तो बंदा लेके चले गया, तो उसके बाद में ये फ़ोन बंद हो गया था। तो भी मैंने सब जगह छोटे छोटे शॉप देखा,
तो वहाँ पे जाके एक छोटा सा शॉप में मुझे मिला अवेलेबल यही फ़ोन, क्योंकि ये फ़ोन की जो क्वालिटी है दोस्तों, जूमिंग करेंगे तो ब्लर नहीं होता है, तो वो हिसाब से मैंने यही फ़ोन चॉइस किया था, सैमसंग J8, और अभी तक ये बना रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अब कुछ अपडेट किया जाए, बहुत से भाई कहते कि कुछ चेंज करो वगैरह, तो वही हिसाब से हमने सैमसंग का ही ब्रांड चुना, क्योंकि आईफोन और सैमसंग में दोनों में क्वालिटी मैंने चॉइस किया, वन प्लस का भी देखा, लेकिन वन प्लस और आईफोन से ज़्यादा क्वालिटी ये बेस्ट लगा, क्योंकि सैमसंग की जो चीज़ है, जो ओरिजिनल कलर है वही ओरिजिनल कलर दिखाते हैं, और प्लस जो धूप में जब भी हम शूट करते हैं, क्योंकि अपना काम तो दोस्तों धूप में ही है, जो धूप में जब भी शूट करते हैं तो आईफोन प्रो मैक्स 14 वो भी मैं ले रहा था, तो उसमें और इसमें मैंने कॉम्बिनेशन चेक किया कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में ये दिखा मुझे कि अगर हम धूप में शूट कर रहे इस तरह, तो जिस तरह धूप में हीट होता है फ़ोन, तो हीट होने के बाद में उसकी जो क्वालिटी है थोड़ी डल हो जाती है, और जो सैमसंग की है, जो धूप में अगर हम वीडियो शूट करते हैं, तो वीडियो शूट करने के बाद में दोस्तों वो जो है उसकी क्वालिटी जो ओरिजिनल जो स्टार्टिंग से लेके फ़ोन स्विच ऑफ होने तक वही क्वालिटी होती है, तो बस उसी पे मैं कहते हैं ना मतलब इम्प्रेस हो गया तो ये फ़ोन ले लिया, तो थैंक यू सो मच मेरे फैमिली का जो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वीडियो में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। तो वाकई में दोस्तों एक सरप्राइज़ मुझे मिला, एक नंबर, दिल खुश हुआ। तो अभी हर बार वही मोबाइल से शूट होने वाला है, तो अभी ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये है दोस्तों मेरे भाई का मोबाइल, जो उनसे शूट कर रहा हूँ वो भी सैमसंग है, क्योंकि घर में सभी को मैंने सैमसंग ही फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी और क्लियरिटी एक नंबर है। तो बस यही था एक सरप्राइज़ आप सभी को। देखो दोस्तों कलर हमने ये लिया, तो मुझे थोड़ा ज़रा ये कलर अच्छा लगा, अभी इसको दोस्तों बैक कवर आने वाला है, प्लस आगे का कहते ना डिस्प्ले के ऊपर एक सेफ्टी के लिए, ये प्रोटेक्ट के लिए हम ग्लास भी लगाने वाले हैं, तो पूरा सेफ होने के बाद ही हम वीडियो शूट करेंगे। और ये फ़ोन दोस्तों वाटरप्रूफ फ़ोन है, हम कंटिन्यू 1.5 से 2-3 घंटे भी हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, बारिश में वगैरह वीडियो शूट वगैरह पानी वगैरह जाने की कोई टेंशन नहीं, बहुत प्यारा फ़ोन है। लेकिन मैं जानबूझ के पानी में नहीं डालूंगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। ओके दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि मोबाइल हाथ में आने के बाद थोड़ा सा बहुत खुशी हो रही है, बस ये मैं कह सकता हूँ। मैं लेने वाला था दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद में, लेकिन मैं सोचा अभी ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते तो ले लेते, हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो, लेकिन कहते ना दोस्तों बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, ये मोबाइल आ चुका है, तो इसकी क्लैरिटी कैसी है कैसी है नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताएंगे आपको कि इसकी क्लैरिटी कैसी है। तो दोस्तों ये मोबाइल है 1.5 लाख का। ओके दोस्तों, 1 TB हम ले चुके हैं दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना मतलब कभी अगर मैं बाहर चले गया तो 256 GB का है वो है 1,25,000 का, और एक 512 GB का वो लग 135 1,35,000 का, और वही 1 TB 1.5 लाख का। तो हमने सोचा कौन सा 256 GB का तो मज़ा नहीं आएगा, एक तो 512 GB लो या 1 TB लो, तो वही हिसाब से हमने ले चुके ये फ़ोन। तो बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों वीडियो में, एक नंबर क्वालिटी, मेरा तो दिल खुश हो गया। अभी मुझे तो ज़्यादा बात करने आता नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा बात कर रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा आपको भी कि हमारे पास मोबाइल आ चुका है, तो दो दो मोबाइल अभी हम यूज़ करेंगे। तो पहला तो मैं इससे ही, और वीडियो एडिटिंग दोस्तों सैमसंग J8 से ही मैं वीडियो एडिटिंग करता था, जितनी भी वीडियो, और बहुत से भाई मुझे कहते थे कि आकाश भाई आपका जो फ़ोन है वो आप किससे शूट करते हो जितनी भी वीडियो है, तो उनको मैं बताना पड़ता था कि मैं सैमसंग J8 से शूट कर रहा हूँ, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, लोग कहते थे कि नहीं भाई आप कैमरा शूट करते हो, तो नहीं, तो मैं मोबाइल से शूट करता था और मोबाइल से वीडियो एडिटिंग भी करता था। लैपटॉप वगैरह भी ले चुका हूँ अभी जस्ट रिसेंटली, 20 दिन हो गए, और लैपटॉप लेने के बाद में ये भी फ़ोन अभी खुद को थोड़ा चेंजेस, थोड़ा और आगे थोड़ा अभी देखते किस तरह है किस तरह नहीं, अभी धीरे जितने भी एनिमल्स वगैरह घर पे हम पालने वाले हैं तो उसे भी हम शूट करने वाले, दोस्तों कॉल चालू हो गया। तो बस यहीं पे करते वीडियो हम स्टॉप, क्योंकि दोस्तों बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है, तो सॉरी उसके लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू दोस्तों आप सभी की सपोर्ट की वजह से, आप सभी की बस दुआ की वजह से ये मैं कह सकता हूँ। दोस्तों मोबाइल हमें मिल चुका है, अभी और आगे क्या क्या है क्या क्या नहीं मिलता है तो हम ज़रूर आपको शो करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मोबाइल कैसा है इसका रिव्यू कैसा है, जो भाई ने अगर आप उनके पास अगर ये मोबाइल अवेलेबल है यूज़ करते तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए कि मोबाइल किस तरह है किस तरह नहीं, तो मुझे भी थोड़ा सा ज़रा अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं शौक हूँ, बहुत खुशी है कि 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में आ चुका है, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में ले चुका हूँ। ये जो सैमसंग J8 है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 19,000 का मोबाइल था, तो 19,000 के बाद डायरेक्ट जंप मारा हूँ, डायरेक्ट 1.5 लाख 35,000 और प्लस वो, तो बस यही कह सकता हूँ।
यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो उसमें सारे ओके दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, कैसी नहीं तो ज़रूर आप लाइक शेयर जरूर कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक नीचे ब्लैक कलर का बटन आप उसे टच कीजिए, जिसके आगे बेल आइकन उसे भी आप टच कीजिए, उससे होगा जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय कबूतर।